तो गरुड़ पुराण कहता है, एक तो गौ सेवा, दूसरी बात कल्याण के लिए गरुड़ पुराण ने बताई एकादशी का व्रत, तीसरी बात गरुड़ पुराण में जो बताई छह बातों से कल्याण हो जाता है, एक गौ सेवा, दूसरा एकादशी का व्रत, तीसरी बात बताई गंगा स्नान। अब रोज हम इटावा से कहाँ गंगा नहाने जाएंगे, अपने अपने गांव में रहने वाले लोग कहाँ हरिद्वार पहुँचेंगे। तो देखो एक मंत्र है, वो मंत्र बोलते हुए अगर आप अपने घर में बाथरूम में स्नान करें या खेत में जहाँ भी करते हो, वो मंत्र बोलते हुए अगर हम स्नान करें तो हमको रोज गंगा स्नान का पुण्य मिल सकता है। बड़ा सरल मंत्र है, याद रह जाए ऐसा है, ओम ह्रीम गंगायै, ओम ह्रीम गंगायै, य ऊपर डबल एक ही मात्रा गंगायै, ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम दोनों में एक जैसा, ओम ह्रीम गंगायै, ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम गंगायै, ओम ह्रीम स्वाहा, ये इतना सा मंत्र है, याद रह जाए ऐसा गंगा स्नान। किसी के घर में क्लेश बहुत होता हो, मानसिक तनाव रहता हो और व्यापार धंधे में भी कुछ परेशानी रहती हो, तो रात को अपने बिस्तर के पास एक बर्तन में गाय का कच्चा दूध भरकर रख दे और सुबह वो दूध बबूल के पेड़ के मूल में डाल दे, और गंगा जल घर पे पड़ा हो तो वो पूजा के स्थान पर रख दे, बस इतना काम करे उसको बहुत लाभ होगा। झगड़े बहुत होते हैं घर में, पति पत्नी के बीच, भाई बहन के बीच, माँ बेटी के बीच, सास बहू के बीच, अरे सास और बहू को तो ऐसे रहना चाहिए जैसे कौशल्या और सीता जी रहती थी। बहू तो ऐसा सोचे कि मेरे पति की माँ है, कैसी भी है मेरे पति की माँ है, मैं इसका आदर करूं, इसको अपनी बेटी की याद ना आए। और सास ऐसा व्यवहार करे कि बस ये मेरी बहू है, इसको इतना प्यार दूं कि इसको अपना मायका कभी याद ना आए। ऐसा अगर सास और बहू सोच ले तो भाई कहना ही क्या, आनंद ही आनंद हो जाए। बाप और बेटा बैठे थे बाहर घर के बगीचे में, चाय पी रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ना बुद्धिमानी है, सुबह जप करो, थोड़ा माला लेकर थोड़ा पाठ करो, थोड़ी देर ध्यान में बैठे, थोड़ा प्राणायाम करें। अब सुबह अखबार पढ़ना बुरा नहीं है, पर सुबह सुबह थोड़ा भजन करें, ध्यान करें, जप करें। अखबार पढ़ने बैठ गए, अखबार पढ़ रहे थे, चाय की चुस्की ले रहे थे, इतने में अंदर रसोई घर में कोई कांच का बर्तन टूटा ऐसी आवाज आई। तो बाप ने कहा, बेटे जरा देखो बर्तन किससे टूटा है, तुम्हारी पत्नी से टूटा है कि मेरी पत्नी से टूटा है, जांच करो। तो बेटा बोला, पिताजी माँ के हाथ से टूटा है। बोले, तुम मेरी पत्नी पर, अपनी माँ पर दोष लगाते हो, तुमने देखा नहीं और देखे बिना कैसे बोल देते हो कि तुम्हारी माँ के हाथ से टूटा है, तुम्हारी पत्नी के हाथ से भी तो टूट सकता है। बोले, नहीं पिताजी, मैं दावे से कहता हूँ कि माँ के हाथ से ही टूटा है। बोले, कैसे? बोले, पिताजी बर्तन टूटने का आवाज तो आया पर बाद में माँ का आवाज नहीं आया, इसका मतलब उनके हाथ से ही टूटा है। अगर बहू के हाथ से टूटा होता तो बर्तन टूटने के आवाज के बाद माँ का आवाज भी सुनाई दिया होता, वो नहीं आया, इसका मतलब उनके हाथ से ही टूटा है। बाप अंदर गया सच्चाई का पता लगाने, तो देखा सचमुच माँ के हाथ से ही टूटा है, उसकी पत्नी के हाथ से ही टूटा है। तो बाप ने बोला कि क्यों, कैसे टूट गया ये कांच का बर्तन? तो उसकी पत्नी बोली कि मैं तो आपके लिए देसी घी का हलवा बना रही थी, क्योंकि आपके दांत नहीं हैं, जो दो पांच हैं वो कमज़ोर हैं, तो मैंने सोचा आपको ज़्यादा वो कड़क नाश्ता अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नरम नरम देसी घी का हलवा बना रही थी, पर ये बहू ऐसी है कि बीच बीच में बहुत बोल रही थी, इसलिए मेरे हाथ से ये बर्तन टूट गया। अब इसमें भी बहू को बीच में ला दिया बेचारी को, और उसको कैसा खुश कर रही है, मैं तो आपके लिए हलवा बना रही थी देसी घी का, पर ये बीच में बोल रही थी। नहीं नहीं, ऐसा ना हो, प्यार हो। मैंने तो ऐसा भी सुना है वास्तु के ग्रंथों में कि ऐसे दिशा शास्त्रों के उसमें ज्ञान में आता है कि
घर में सास और बहू के बीच अनबन ज़्यादा होती हो ना, तो दक्षिण और पश्चिम की दीवार पर सास और बहू का एक प्यार दर्शाता हुआ फोटो लगा दे, ना हो तो खिंचवा लेना अपनी सास के साथ, सास बैठी हो तो बहू के साथ एक प्यार दर्शाता हुआ फोटो खिंचवा ले और दक्षिण पश्चिम की दीवार पर लगा दे, माने दक्षिण और पश्चिम का कोना उधर लगा दे, अच्छा रहेगा। फिर भी देखो, आप अपनी तरफ से समता का प्यार का व्यवहार करो, पर घर पे अगर कोई बिगड़ा हुआ व्यवहार करता है तो बदले में हम उसके साथ वैसा व्यवहार कभी भी न करें। हम तो अपने मन में प्यार का ही करें। प्रहलाद को उसका बाप कितना सताता था, पर प्रहलाद ने कभी चूं तक नहीं की, ऐसा नहीं बोला क्यों मारते हो मेरे को, क्यों परेशान करते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो खाली भक्ति करता हूं। प्रहलाद ने विरोध नहीं किया, प्रहलाद ने तो पाठशाला को भी भजनशाला बना दिया था, और कई लोग तो भजनशाला को भी भोजनशाला बना देते हैं, है भजन करने की जगह पर वहां सोचते हैं कि आज नाश्ता क्या बनाएंगे। प्रहलाद ने पाठशाला को भजनशाला बना दिया था, तो परिणाम क्या आया कि भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और प्रहलाद की रक्षा की। हरि तुम भक्तन के हितकारी, हे हरि तुम भक्तों के हितकारी हो, भक्तों का हित करते हो। पर लोग ऐसे हैं कि भक्ति को महत्व नहीं देते, पैसे को महत्व देते हैं, मान बड़ाई को महत्व देते हैं, जो चीज़ सदा नहीं रहेगी उसको महत्व देते हैं। नहीं, जितना वस्तुओं को, पैसों को, पद प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं, उससे ज़्यादा उनके सदुपयोग को महत्व देने का संकल्प करें कि मेरे पास जितना भी पैसा भगवान ने दिया है मैं उसका सदुपयोग करूँगा, मुझे जो पद भगवान की कृपा से मिला है हम उसका सदुपयोग करेंगे, हमारे पास समय है, पैसा सबके पास ना हो, चलो कोई गरीब भी होता है उसके पास पैसा नहीं है, रोज कमाए रोज खाए, पैसा ना हो पर समय तो सबके पास है कि हम समय का सदुपयोग करेंगे, हम समय को बिगाड़ेंगे नहीं, फिल्म देखने में, घूमने फिरने में हम समय नहीं बिगाड़ेंगे, हम समय को सार्थक करेंगे। इन बातों को पक्का कर लें, देखो इन बातों को सीखना नहीं है, इन बातों को स्वीकार करना है कि हाँ इन्हीं से हमारा भला होगा, इसको सीखना नहीं है स्वीकार करना है। सीखी हुई बात आदमी भूल सकता है, स्वीकार की हुई बात भूल नहीं सकता। हमने बचपन में स्कूल में जो पढ़ा था सीखा था वो भूल गए, सीखी हुई बात भूल जाते हैं, स्वीकार की हुई बात भूलेंगे नहीं, स्वीकार कर लें कि इसी से मेरा भला है, इसी में मेरी उन्नति है, बस परम मंगल होगा। तो ये बातें स्वीकार करो कि आलस्य हमारा शत्रु है, हम सुबह 5 बजे के बाद अब कभी भी सोएंगे नहीं, स्वीकार कर लो। बुद्धिमान बहने भाई स्वीकार कर रहे हैं, कोई कोई सोच भी रहे हैं कि 5 बजे तक तो कैसे रोज उठा जाएगा। मैं पिछली बार आया था, 9 साल हो गए, मैंने कई भाइयों को कई बहनों को देखा, निवास पर भी मिलने आए, कई बहनें तो मुझे कहा कि हम आप पिछली बार आए थे तब भी सत्संग सुना था, इस बार भी हमको याद है अच्छी तरह। मैंने कहा तब तो तुम सब छोटी छोटी बच्चियां होगी, तो वो बच्चियां बड़ी हो गई हैं, पर फिर भी उन बच्चियों की मैंने श्रद्धा बहुत देखी, बहुत भावना है। कितना देखो बचपन में, तब तो वो बच्चियां छोटी थी, अभी वो 12वीं में पढ़ती हो तब तो पढ़ती थी, 9 साल पहले कौन सी क्लास हो गई, 3री हो गई, 9, 3, 12, तब वो बच्चियां 3री क्लास में पढ़ती थी, कोई 4थी में पढ़ती थी, अब वो बच्चियां 12वीं में है, कोई कॉलेज में है, कोई कॉलेज के फाइनल में है, पर देखो बचपन में संस्कार पड़े थे तो अभी वो बच्चियां कितनी संस्कारी हैं, कितनी पवित्र आत्मा है, कितने उनके पवित्र संस्कार हैं। नहीं तो इस उम्र में युवावस्था में तो सब छैल छबीले हो जाते हैं, माँ बाप तो अच्छी स्कूल में दिला देते हैं एडमिशन, ऊपर से अच्छी जगह लगवा देते हैं ट्यूशन, पर बच्चे नहीं करते हैं लेसन, करने लगते हैं फैशन, फैशन फैशन फैशन, बस जरा पर जल जाएगा,
मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भज लो श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भज लो श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। सुखी जनों का सुख न रहेगा, सुखी जनों का सुख न रहेगा। दुखी जनों का दुख न रहेगा, दुखी जनों का दुख न रहेगा। सत है आत्म ज्ञान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। सत है आत्म ज्ञान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। सुनी सिकंदर दारा की कृति, सुनी सिकंदर दारा की कृति। सुनी वीर बल की सुंदर मति, सुनी वीर बल की सुंदर मति। अकबर से सुल्तान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। अकबर से सुल्तान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। रहे न रावण सम अभिमानी, रहे न रावण सम अभिमानी। हिरण्यकश्यप सम वरदानी, हिरण्यकश्यप सम वरदानी। क्षण में छूटे प्राण, जगत में कुछ दिन के मेहमान। क्षण में छूटे प्राण, जगत में कुछ दिन के मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। राम मेरे राम, राम मेरे राम, जगदीश्वर का नाम रहेगा, जगदीश्वर का नाम रहेगा। वही परम सुख धाम रहेगा, वही परम सुख धाम रहेगा। परमेश्वर का नाम रहेगा, परमेश्वर का नाम रहेगा। वही परम सुख धाम रहेगा, वही परम सुख धाम रहेगा। निज में लो पहचान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। निज में लो पहचान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। तो अभिमान को छोड़ दिया जाए। एक आदमी ट्रक का ड्राइवर, वो ट्रक में माल फुल भरा, ओवरलोड, ट्रक की जो बॉडी थी ना उससे भी थोड़ा ऊंचा जा रहा था। तो रास्ते में वो टनल, ऊपर रेलवे लाइन थी, उसने सोचा कि निकल जाऊंगा, दूसरा रास्ता, ज़रा किलोमीटर ज़्यादा हो जाएंगे, डीजल ज़्यादा जाएगा। तो अंदर घुसा तो दी गाड़ी, पर बराबर बीच में गया तो गाड़ी फंस गई,
ऊपर से एकदम फिट हो गई, अब ना आगे जा सके ना पीछे जा सके, ट्रैफिक जाम हो गया, सब लोग आके सलाह देने लगे, मफत सलाहकार समिति, जो भी आए जरा ऐसा करो, जरा ये करो, जरा आगे रस्सा बांध के खींचो, कोई कुछ बोले, पर ट्रक निकले ही नहीं। आखिर एक महात्मा आए, बोले देखो एक काम करो, इससे काम नहीं चलेगा, मैं एक युक्ति सिखाता हूँ, उससे ट्रक यूं निकल जाएगा। तो लोग बोले आए बड़े महाराज, हमने इतना किया नहीं निकल रहा है, अभी ये बताएंगे और निकल जाएगा। पर कुछ सज्जन थे, बोले नहीं नहीं महाराज आप बताओ, क्या पता महाराज जी जो बोले वो करें और निकल जाए। महाराज ने कहा एक काम करो, ज़्यादा मेहनत नहीं करो, ये ट्रक के जितने पहिए हैं ना, सब में से आधी आधी हवा निकाल दो, अपने आप ट्रक नीचे बैठेगा, थोड़ा धक्का लगा ना बाहर। और लोगों ने वैसा ही किया, हवा निकाल दी, ट्रक बाहर निकाल दिया, फिर उसने भरा दी हवा। तो सचमुच अभिमान की हवा थोड़ी निकाल दे ना, तो आदमी पार हो सकता है, मैं बड़ा, मैं ये थोड़ी निकाल दे। नम्रता एक दैवी सद्गुण है, तो आलस्य शत्रु है, उसको छोड़ दे, स्वीकार कर ले कि हाँ भाई आलस्य शत्रु है, आज से त्याग, हम 5 बजे के पहले पहले ही उठने का पूरा प्रयत्न करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। दूसरी बात ये ध्यान में रखी जाए कि कोई भी दोष हो उसको निकालने की बात सोचो, दोष मुझ में है मुझ में ऐसा मत सोचो, दोष मेरे मन में है और इसको हम त्याग के रहेंगे, इसको निकाल के रहेंगे, हरि ओम ओम हरि ओम, मनोबल मजबूत। अभिमन्यु मारा नहीं जाता, अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में गलती कर दी। अभिमन्यु ने क्या किया, एक से लड़ता उसको हरा कर पीछे धकेल कर आगे चला जाता, उसको मारता नहीं, फिर दूसरे को तलवार से लड़ के पीछे हटाता और आगे जाता, तीसरे को चौथे को, ऐसा करते करते वो अंदर चला गया, फिर जिसको उसने हराया था ना, मारा नहीं, थोड़ा हटा के छोड़ दिया, तो वही सब आ गए घेरा बना के अभिमन्यु को मार डाला। तो एक भी दोष को अगर हम छोड़ेंगे, बड़े लगे क्या बीड़ी पीना तो क्या कोई बुराई थोड़ी है, हम बीड़ी पीते हैं कोई बुरा काम थोड़ी करते हैं, पर ये भी बुरा बुरा है ना, इसको छोड़ो। बोले हम तो खाली पान मसाला खाते हैं और कोई व्यसन नहीं है, तो इसको भी निकालो। अभिमन्यु ने उनको छोड़ा, इसलिए वो उसको मारने में सफल हुए, और अभिमन्यु उनको मार देता तो जय जयकार होती। तो एक भी दोष को छोड़ना नहीं है, एक भी काम को छोड़ो नहीं, आज का काम कल पे मत छोड़ो। कई लोग क्या करते हैं, समझो कंघा लेकर बाल संवारे, फिर जल्दी जल्दी में जहां तहां पटक दिया, फिर दूसरे दिन जब बाल संवारने का समय हुआ, अरे मेरा कंघा कहां गया, इधर तो रखा था, घर में अशांति हो, इधर रखा था किसने हटाया, बेकार में झगड़े घर में बढ़ाते हैं। तो जो काम जब करना है उसको निपटा दो, जो वस्तु घर में जहां से उठाई काम निपटाया फिर वहीं रख दो, ताकि आने वाली कल को काम पड़ेगा उस वस्तु का, व्यवहार कुशलता जरूरी है। तीसरी बात ये स्वीकार करें कि कई बार लोग क्या करते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, उसके पास है, उस बात को लेकर भी तनाव रहता है, अरे उसके पास तो कार है अपने पास नहीं है, उसके पास तो काइनेटिक होंडा है अपने पास नहीं है, अपने पास भी होती तो मज़ा आता ना, अरे है तो उसका ऐसा लेखा जोखा है, उसके पास है अपने पास नहीं है तो संतोष, हरिओम तत्सत बाकी सब गप सप, असंतोष नहीं, अभाव में न जिए सद्भाव में हम जिए। गीता पढ़े, भगवत गीता घर पे हो तो पाठ करें, श्राद्ध पक्ष में रोज नहीं तो कम से कम सर्वपित्रि अमावस्या आएगी तो उस दिन तो गीता का 7वां अध्याय जरूर पाठ करें, पाठ करके प्रार्थना करें कि इस पाठ का पुण्य हमारे घर के पूर्वजों को मिले जो पहले गुजर रहे हैं। बस 5वीं बात, हम ये स्वीकार करें कि आशावादी रहेंगे, निराशावादी नहीं, आशावादी रहना एक ऐसा मंत्र है जो सदा हमें मंजिल दिखाता है और पहुंचाता है। निराशावादी नहीं, क्या करें मेरा तो भाग्य कमजोर है, मेरा तो नसीब ही कुछ ऐसा है, मेरे को तो हर बार ऐसे असफलता मिलती है, नहीं नहीं मुझे सफलता मिलेगी। बस एक एक भिखारी था, भीख मांगने के लिए किसी सेठ के दरवाजे पर खड़ा रहा, सेठ ने सेठानी को कहा वो गरीब खड़ा है उसको कुछ दे दे, सेठानी बोलती मेरे पास टाइम नहीं है,
इतने में गरीब खड़ा खड़ा बाहर भजन गाने लगा। तो सेठ को सेठानी कहती है, देखो सुनो जी, वो भजन कितने अच्छे गा रहा है, उसके भजन के शब्द कितने अच्छे हैं। तो सेठ ने कहा, तुझे उसके भजन अच्छे लगते हैं ना, तो उसको कुछ दे दे, वो गरीब है। सेठानी कहती है, मैं इसको दे दूंगी तो वो चला जाएगा, फिर मुझे इतने अच्छे भजन कौन सुनाएगा। मैं उसको दूंगी जरूर, पर 2-5-6 भजन उसको और गा लेने दो, बाद में दूंगी। अब सेठ सेठानी दोनों देना चाहते हैं, पर भजन अच्छे लग रहे हैं इसलिए जानबूझकर देरी कर रहे हैं। ऐसे ही आपको भी अपने जीवन में किसी काम में देरी होती हुई दिखे ना, तो निराश मत होना। आप ये समझना कि वो मेरी प्रार्थना सुनकर आनंदित हो रहा है प्रभु, इसलिए वो जानबूझकर देरी कर रहा है। कोई बात नहीं, हम भी निराश होने वाले नहीं हैं। गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, पर मुझ में न पाई थकान, तो बेचारे खुद थक गए। मैं क्यों थक जाऊं, मैं क्यों निराश हो जाऊं? विद्यार्थी हैं, कम परसेंटेज आते हैं, क्यों निराश हो जाएं? घर में नियम ले लो, नॉर्थ ईस्ट, पूर्व और उत्तर के बीच का कोना जो पड़ता है ईशान कोण, उधर ईशान कोण के तरफ मुंह करके अगर विद्यार्थी भाई बहने पढ़े तो देखो उनकी याद शक्ति कैसी बढ़िया होती है, कितने अच्छे परसेंटेज लाते हैं। ये आप करके देखो। जो विद्यार्थी बैठे हैं स्कूल कॉलेज के, उनसे मेरी प्रार्थना है, घर पे होमवर्क करो, पढ़ो तो पूर्व और उत्तर के बीच का कोना ईशान कोण के तरफ मुंह करके पढ़ो, आपको पढ़ा हुआ जल्दी याद रहेगा, सूझबूझ बढ़ेगी। दूसरी बात विद्यार्थियों के लिए, पढ़ो तो जीभ को तालों में लगा कर पढ़ो ऊपर, तो मानसिक संतुलन बना रहेगा, जो पढ़ोगे जल्दी याद होता जाएगा। तीसरी बात विद्यार्थी याद रखें, पेपर देते समय भी विद्यार्थी भाई बहने जीभ को तालों में लगाए रखें तो पेपर भी बढ़िया जाएगा। कई बार क्या होता है, देखो ये विज्ञानियों ने रिसर्च की हुई बात मैं बोल रहा हूँ, संतों ने तो पहले बताया, आधुनिक युग के विज्ञानियों ने अब रिसर्च की कि विद्यार्थी लिखते हैं दाएँ हाथ से, लिखते 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 दाएँ मस्तक की ऊर्जा खत्म होती है, खर्च होती है। दो मस्तक है ना, दायां और बायां, तो लिखते लिखते दाएं मस्तक की ऊर्जा खत्म होती है, तो अगर हम जीभ को तालों में लगा देंगे तो बाएं मस्तक की ऊर्जा दाएं मस्तक को मिलेगी और विद्यार्थी ज़्यादा देर तक लिखने का काम करके अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, लिखने में उनको थकान नहीं होगी। प्रयोग कितना सरल है और फायदा कितना ढेर सारा है। विद्यार्थी सफल होने के लिए ये भी ध्यान में रखें कि रात को सोएं तो पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोएं। विद्यार्थियों को सफलता जरूर मिलेगी, 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 इसमें कोई शंका नहीं। विद्यार्थियों की अगर याद शक्ति कमजोर रहती है तो फिर कभी बापूजी से सारस्वत मंत्र की दीक्षा ले लें। विद्यार्थी चाय पीते हों तो चाय न पिए, चाय तो विद्यार्थियों की दुश्मन है। जो पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में उनके लिए चाय तो एक प्रकार का जहर है, जहर न पिए विद्यार्थियों से मेरी प्रार्थना है। मानो तो आपकी मर्जी, ना मानो तो आप मालिक हैं, हम तो थोड़ी देर में चले जाएंगे, आप मालिक हैं। अर्जी मेरी, मर्जी आपकी। एक बहन मेरे पास आई, उसके पति साथ में थे, वो बोले कि भाई जी मैंने 4 साल हो गए चाय पीना बंद कर दिया, मैं चाय नहीं पीती हूँ। मैंने कहा शाबाश बहन जी, 4 साल हो गए आपने चाय नहीं पी। बोले नहीं पी, पर तब से मैं कॉफी पीती हूं। वाह रे वाह, वाह वाह, ऐसे बुद्धिमान लोग हैं धरती पर, चाय नहीं पीते कॉफी पीते हैं। कॉफी पीने वाले को भी भविष्य में हार्ट की तकलीफ हो सकती है, पक्की बात है। ये डॉक्टरों ने रिसर्च की हुई बात मैं बोल रहा हूं। मैं गप्पे हांकने में नहीं मानता, कपोल कल्पित बातें सुनाने में नहीं मानता, एकदम प्रमाणित बात, ठोस सत्य। मुझे उस यूनिवर्सिटी का नाम पता नहीं, वहां जानकार डॉक्टरों ने रिसर्च की कि कॉफी पीने से क्या घाटा हो सकता है, इसलिए इससे बचो। विद्यार्थी सफल होना है तो कभी भी मुंह झूठा मत रखो, कुछ खाया तुरंत मुंह साफ कर दो। मुंह झूठा रखकर पढ़ोगे तो पढ़ा हुआ याद ज्यादा नहीं रहेगा, विद्या नहीं आएगी। मुंह झूठा मत रखो, और हो सके तो विद्यार्थी भाई बहने अपने को फिल्मों से बचाना, चरित्रहीन लड़के लड़कियों की दोस्ती से बचाना, जिनका चरित्र पवित्र नहीं है उनसे अपने को बचाना।
तो छठी बात हम याद रखें कि इच्छाओं को बढ़ाना भी एक तरह का तनाव ही है। इच्छा पूर्ति में सुख माने वो बुद्धिमान नहीं है, पर इच्छा की निवृत्ति में सुख माने वो बुद्धिमान है। मन में कोई इच्छा उठी और उसको पूरी करना, ये तो ये पशु भी कर लेता है। पशु को जहाँ मर्जी आई चला जाएगा, जो मन में आया इधर उधर से खा लेगा। पर इंसान के पास विवेक शक्ति है, वो याद रखे कि अमुक चीज़ खाने की नहीं है, अमुक वस्तु पीने की नहीं है, कोका कोला और पेप्सी पीने की नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति विवेक को जागृत रखें, इच्छाओं को दूर करें। बापूजी सुनाते हैं एक बात के, एक बार एक आदमी ने किसी से 100 रुपये उधार लिए और कहा कि 7 दिन में दे दूंगा, पर 15 दिन बीत गए वो दिखाई नहीं। एक दिन बाजार में मिल गया। सेठ ने कहा ला मेरे 100 रुपये। उसने कहा देता हूँ पर मेरी एक शर्त है। क्या? बोले 100 की कर दो 60, मतलब 40 गए। बोले हाँ अब आप तो शर्त है। बोले ठीक है अच्छा 40 गए तो गए, 60 लाओ। बोले पूरी बात सुनो, 100 की कर दो 60, आधा कर दो काट। कितने बचे? 100 की कर दो 60, आधा कर दो काट, 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे और 10 के जोड़ेंगे हाथ। अभी क्या दिया? कुछ भी नहीं। तो जैसे उस आदमी ने युक्ति से जान छुड़ा ली, ऐसे ही हमारे मन में 100-100 इच्छाएं उठती है। ये खाऊं, ये पीऊं, इधर जाऊं, ये फिल्म देखूं, ये सीरियल देखूं, ये गाना सुनूं, 100-100 इच्छाएं उठती हैं। तो हम भी अपने मन को कहें कि मेरे मन तू 100 इच्छाओं की कर दे 60, आधी कर दे काट, 10 तेरी इच्छा पूरी करेंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ। अभी तो तू मुझे भगवान का नाम जप करने दे। कोई बोले अभी से क्यों करें, हम बूढ़े होंगे तब जप करेंगे। ये कोई उम्र थोड़ी है माला घुमाने की, ये कोई उम्र थोड़ी है जप करने की, ये कोई उम्र थोड़ी है ध्यान करने की। नहीं नहीं, मैं युवान भाइयों से बहनों से प्रार्थना करूंगा कि यही उम्र है हमारी साधना करने की, मीरा की तरह। मीरा ने युवावस्था में कैसी साधना की? मीरा ने ऐसी तो साधना की कि भोगों की अब चाह नहीं है, कृपा भई गुरु वचनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा को ऐसी लगन लग गई। मीरा के शब्द कितने सुंदर हैं। मीरा गाती है, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, 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 झूठी माया सब सपनन की, झूठी माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चाह नहीं है, भोगों की अब चाह नहीं है, भोगों की अब चाह नहीं है, भोगों की अब चाह नहीं है, भोगों की मोहे चाह नहीं है, भोगों की मोहे कृपा भई गुरु वचन।
जानन की कृपा भई गुरु वचनन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की के सिंधु दीन के बंधु प्रेम 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 के सिंधु दीन के बंधु के सिंधु दीन के बंधु प्रेम के सिंधु दीन के बंधु मैं प्यासी तव दर्शन की मैं प्यासी तव दर्शन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की हरि ओम 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 मीरा को गुरु के चरणों की भक्ति से ऐसी लगन लग गई थी। मीरा ने गुरु की वाणी सुनी थी और मीरा का विवेक जागृत था कि सभी वस्तुओं का और व्यक्तियों का वियोग होगा, माने छूट जाएंगे। आप और हम कल मिले थे तो आज वियोग हो जाएगा। शरीर जन्मा तब से शरीर और संसार का संयोग हुआ, शरीर की मृत्यु होगी तो वियोग हो जाएगा, और वियोग होगा ये बात पक्की है। सभी वस्तुओं का सभी व्यक्तियों का वियोग होगा, तो जिसका वियोग होगा उसकी आसक्ति बढ़ाना ये नासमझी है। जिसका वियोग होगा उसकी ममता करना नासमझी है, फिर दोबारा जन्म लेकर आना पड़ेगा। जैसे आप यहां पर बैठे हो, सब भाई बहनें देखो कितनी श्रद्धा है। मैं तो उनको फिर से हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करता हूं जो तपस्वी धूप में बैठे हैं। पंडाल भर गया, छोटा पड़ गया, जगह नहीं है तो बाहर धूप में बैठे हैं, उनको तो मेरा दो हाथ जोड़ के नमस्कार है कि आपकी कितनी श्रद्धा है कि आप सत्संग को मान देकर धूप में भी बैठ गए। और उनसे भी बड़े देखो, आगे जगह नहीं मिली बैठने की तो खड़े खड़े भी सुन रहे हैं। भले कोई बात नहीं, सत्संग के वचन कान में पड़ते हैं ना। फिर भी धूप में ज़्यादा देर खुले सिर नहीं रहना चाहिए, उससे आंखों की रोशनी पर और कानों की शक्ति पर बुरा असर पड़ता है, आदमी बहरा जल्दी हो सकता है। इसलिए कोई कपड़ा हो, कोई नैपकिन हो, जो भी हो टुकड़ा, तो उससे सिर ढक लेना। धूप में नंगे सिर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और मैं विद्यार्थी भाई बहनों से खास प्रार्थना करूं, आप स्कूल कॉलेज में जाते हो तो आते जाते सिर नंगा मत रखो। सिर खुला रखने से सूर्य की तीखी किरणें सिर पर पड़ेगी तो याद शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, बाल भी खूब झड़ने लगेंगे और जवानी में सफ़ेद भी हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना सिर पर धूप न पड़े। विद्यार्थी मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा। और मुझे लगता है इटावा के विद्यार्थी बड़े बुद्धिमान हैं, वो मेरी प्रार्थना को ध्यान में रखेंगे। तो मैं भी इटावा के विद्यार्थी भाई बहनों ने जो मुझे कहा है वो मैं भी ध्यान में रखूंगा। अगली बार 9 साल नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी इटावा में सत्संग होता रहेगा।
भगवान ने अर्जुन को कहा निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन तू खाली निमित्त हो जा, बाकी मेरी कृपा से देख क्या होता है। सव्यसाचिन का मतलब ये होता है कि अर्जुन में वो योग्यता थी कि अर्जुन दाएं हाथ से भी निशाना ठीक लगाते थे तो बाएं हाथ से भी निशाना ठीक लगाते थे। जिधर बहुत फुर्ती से इधर शत्रु है तो तीर छोड़ा, इधर है तो यूं छोड़ दिया, उसको बोलते हैं सव्यसाचिन। दाएं हाथ से भी छोड़ सके, बाएं हाथ से भी छोड़ सके, खाली एक हाथ से ही नहीं, सव्यसाचिन। तो भगवान ने कहा तुम इतने होशियार हो सव्यसाचिन, दोनों तरफ से छोड़ सकते हो, पर फिर भी तुम निमित्त बनो, कृपा मेरी काम करेगी। हम कौन होते हैं, हम निमित्त मात्र बन जाए बस। यहां भी इतना आनंद आ रहा है, हम शांति से बैठे हैं, बैठने की जगह नहीं तो खड़े हैं, पंडाल भर गया, धूप में बैठे हैं, तो ये क्या है, ये गुरुदेव की पूज्य बापू जी की कृपा का प्रताप है कि हम इतनी श्रद्धा भक्ति से प्यार से घंटों भर बैठ पाते हैं। नहीं तो इतनी देर घर पे बैठे तो कितनी बार फ्रिज हो तो फ्रिज का दरवाज़ा खोले, ठंडा पानी पिए, मटके का पानी पिए, लस्सी पिए, शरबत पिए, चाय पिए, भाई 5 बज गए, चाय का टाइम हो गया, पर यहाँ कुछ नहीं, घंटों भर ऐसे ही बैठे रहते, आनंद है। फिर भी कोई तकलीफ है क्या आपको यहाँ पर बैठे हैं तो? हाँ, कोई दुख है क्या, कोई कष्ट है क्या? आनंद है, कष्ट हो तो जल्दी पूरा कर दें, अभी आनंद है। तो सभी वस्तुओं का व्यक्तियों का वियोग होगा, इसका प्रभाव अपने ऊपर पड़े। या यो कहो कि ये बात दृढ़ हो जाए कि सबका वियोग होगा, जिसका वियोग होगा मैं उसमें आसक्ति क्यों करूं, हरिओम तत्सत, बाकी सब गप सप। तो इससे क्या होगा, इससे किसी के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी।